तो दोस्तों आज फाइनली जाकर आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि अगर हम देखें तो इसका टीजर आज से ठीक 7 महीने पहले 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जो कि इस बीच एक काफ़ी लंबा गैप हमें दिखता है। अब हाँ, इस बीच काफ़ी सारी बातें हुई, टीजर जब लोगों को पसंद नहीं आया था, फिर उसके बाद मेकर्स का बयान आया कि हाँ रिलीज डेट जो है अब बदल चुकी है, 6 महीना मूवी डिले हो चुकी है। इस बीच रामनवमी के दिन पर एक पोस्टर रिलीज हुआ, हनुमान जन्मोत्सव के बीच पर एक पोस्टर रिलीज हुआ, एक गाना रिलीज हुआ, 2 मोशन पोस्टर भी रिलीज हुए, एक प्रभु श्री राम पर, एक सीता माता पर। इसके बावजूद कहीं जाकर आज फाइनली इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अब हाँ, ये तो खैर हमने रिकैप फटाफट कर लिया, अब फाइनली इसके ट्रेलर के ऊपर बात करते हैं। और अब इसके ट्रेलर के ऊपर बात करनी है तो शुरुआत स्टोरी से करते हैं। अब आप कहोगे कि स्टोरी से शुरुआत क्यों, रामायण की कहानी है वो तो सब जानती है, इसमें तू क्या नया बताएगा। बात करनी है तो VFX वगैरह इन सारी चीज़ों की कर ले, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन बाद में। शुरुआत स्टोरी से इसलिए क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत भी ठीक वहीं से होती है। ट्रेलर आपको सिर्फ पूरे ट्रेलर में स्टोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता भी चलेगा, क्योंकि इसके मेकर्स ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मूवी में ढेर सारे फ्लॉज है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जिससे ऑडियंस रिलेट भी कर पाएगी और मूवी उसी की दम पर पैसा भी कमा लेगी, तो वो है इसकी स्टोरी। अगर इमोशनली कनेक्ट हो गई ऑडियंस से, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया होगा इन्होंने क्रिएटिव चेंजेस के नाम पर, तो मूवी अच्छा खासा कमा भी लेगी और ऑडियंस से रिलेट भी कर पाएगी। तो वही तो एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले टीजर में जो सारे शॉट्स दिखाए गए थे उनमें से एक सिंगल शॉट भी इस पूरे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। और देखो, इसके ट्रेलर को देखने के बाद भले आपके मन के अंदर थोड़ी अच्छी फीलिंग क्यों ना आई हो या फिर बहुत अच्छी फीलिंग क्यों ना आई हो, लेकिन जितनी भी आई हो उसकी वजह मैं इसकी एडिटिंग को ही कहूँगा, और हाँ म्यूजिक को भी। लेकिन सबसे पहले एडिटिंग को क्यों, क्योंकि काफ़ी स्मार्टली ट्रेलर को एडिट किया गया है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि पिछले टीजर का एक भी फ्रेम इसमें नहीं है और कंपेयर करने जैसा कुछ बचा ही नहीं, और देखो जो हैवी VFX वाले शॉट्स है वो ज़्यादा डाले ही नहीं है ट्रेलर में, तो उस वजह से VFX भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिखता नहीं। हाँ मतलब उसके ऊपर बात करूँगा बाद में, लेकिन हाँ वैसे शॉट्स है नहीं, रावण का एक सिंगल लुक है नहीं, एक ही लुक है जो मतलब वो ऋषि के लुक में आता है वो वाला, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो काफ़ी क्विक पेस में स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हुए इन सारी चीज़ों को एक मिक्स करके काफ़ी स्मार्टली ट्रेलर एडिट किया गया है, और इन सब के बीच में अजय अतुल का बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि जय श्री राम वाला गूज़बम दिला देता है। और सिर्फ यही चीज़ मुझे ट्रेलर के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आई है, यानी कि इसका म्यूजिक जय श्री राम क्या एनर्जेटिक और गूज़बम्स देने वाला म्यूजिक है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा था मैं कहूँगा। तो उस वजह से जितना भी मैंने कहा आपको ट्रेलर पसंद आया हो वो इसकी एडिटिंग और म्यूजिक की वजह से ऐसा मैं कहूँगा। और अब आते हैं उस मेन चीज़ के ऊपर जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि इसके VFX, और लोगों का इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, चीज़ ही उन लोगों ने ऐसी बना दी है तो लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। और अब देखो इसके VFX के ऊपर बात करने के लिए हमें ट्रेलर के शुरुआत से लेके एंड तक हर एक चीज़ों को पिछले जो कुछ भी चीज़ें आई थी उससे कंपेयर करना पड़ेगा। और देखो मेरा मतलब ऐसा नहीं कि हम फ्रेम बाय फ्रेम कंपेयर करते बैठेंगे, सिर्फ कुछ ऐसी मेन चीज़ें जिसे हम कंपेयर कर लेंगे। और देखो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ट्रेलर को काफ़ी स्मार्टली एडिट किया गया है, तो उस वजह से VFX में मतलब हमें ऐसा कुछ खास इन्होंने ऐसा दिखाया नहीं गया। जैसे कि मैंने कहा रावण, वानर सेना, इनके कुछ ऐसे सिंगल शॉट भी नहीं है इस ट्रेलर में, तो उस वजह से कम बात है VFX के ऊपर करने के लिए, तो कर लेते हैं। वैसे तो देखो ट्रेलर और टीजर दोनों की शुरुआत में हमें जंगल के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर टीजर में जो जंगल दिखाया गया था वो बिल्कुल भी मतलब इतना ख़राब था कि वो देखा नहीं जाता, काफ़ी ज़्यादा कार्टूनिश लग रहा था वो। और जहाँ पर हम ट्रेलर की शुरुआत में देखें तो वो वाला जंगल का सीन काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, रियलिस्टिक लगता है, कुछ काम किया गया है इन लोगों ने, जो 6 महीने का टाइम लिया था उसमें काम किया है ऐसा लगता है। और उसके बाद ट्रेलर में हमें आधा ट्रेलर जहाँ पर हनुमान जी दिखाए जाते हैं, वो कैसे मिले प्रभु श्री राम से, और वो सारी चीज़ें जंगल में दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ जानवर भी दिखाए जाते हैं, तो ओवरऑल जंगल वगैरह जानवर हाँ उनमें VFX अच्छे किए गए हैं वैसा लगता भी है। हाँ जानवर के ऊपर VFX थोड़ा बहुत अनपॉलिश लगता है, लेकिन हाँ ओवरऑल चल जाता है ऐसा लगता है, बेटर लगता है पिछली सारी चीज़ों से। लेकिन हाँ ठीक, जैसे ही आधा ट्रेलर होता है वैसे ही प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। और देखो आधे ट्रेलर के बाद जो हमें मूवी का आई थिंक जो एंड में बैटल होगा वही सारी चीज़ें आधे ट्रेलर के बाद दिखाई जाती है, तो हाँ वो सारी बैटल में मतलब ट्रेलर में वो सारा VFX बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो फिर से हमें पुराने टीजर की वगैरह याद दिलाता है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करके उसे सुधारा गया है, लेकिन VFX है तो कलर ग्रेडिंग से सुधारा नहीं जा सकता उसे। और देखो ऐसा ही अगर इसका VFX रहा तो बॉस प्रोड्यूसर्स हो या फिर कोई भी हो मूवी से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है,
लॉस झेलना पड़ेगा उन्हें। देखो 500 करोड़ का बजट है तो उसके हिसाब से उन्हें जस्टिफाई करने जैसी मूवी लोगों को दिखानी पड़ेंगी। और रही बात मेरी कि मुझे इसका ट्रेलर कैसा लगा, तो ठीक ठाक लगा। वेफेक्स मतलब शुरुआत में थोड़े बहुत पसंद आए, जैसा कि कहा एंड में थोड़े बहुत प्रॉब्लम बढ़ते हैं और फिर से वैसे ही वेफेक्स हमें देखने को मिलते हैं पहले जैसे। तो उस वजह से पिछले ट्रेलर से तो कहूँगा, टीजर से तो कहूँगा अच्छा था वीएफएक्स। लेकिन देखो ओवरऑल मुझे इसका ट्रेलर ठीक ठीक लगा, कोई ऐसा एकदम आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं लगा, ठीक था। वैसे आपको ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।